अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, मेरा नाम है तैमूर परवेज और आज हम ऑटो कैड 2015 इलेक्ट्रिकल में लेसन नंबर 16 के ऊपर डिस्कस करेंगे। आज के लेसन में हम डिस्कस करेंगे हाउ टू इंसर्ट रिवियन क्लोड शेप ऑन ऑटो कैड। रिवियन क्लोड शेप आप ऑटो कैड में कैसे इंसर्ट कर सकते हैं, इसमें डिफरेंट कमांड कौन कौन सी यूज़ होती हैं और आर्क लेंथ ऑब्जेक्ट इन स्टाइल का क्या फंक्शन होता है। तो स्टूडेंट्स, ये कमांड इतनी ज़्यादा यूज़ तो नहीं होती ऑटो कैड में, लेकिन आपके अब यहाँ पे ड्रॉ में दिया हुआ है तो इसलिए मैं सोचा कि मैं आपको बता दूँ इसका फंक्शन भी कि रिवियन क्लाउड कमांड क्या होती है। रिवियन कमांड क्लाउड कमांड जो है वो आपको ड्रॉ के यहाँ पे ड्रॉप डाउन बटन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे आपको ये क्लाउड की शेप बनी हुई नज़र आ रही होगी, तो इसे कहते हैं रिवियन क्लाउड शेप है और ये कमांड है। इसके अलावा ड्रॉ में आप जाएँ, ड्रॉ में आप जाके तो देखें यहाँ पे रिवियन क्लाउड लिखा हुआ है और शार्ट कमांड जो इसकी है वो है REVC, REV रिवियन एंड सी से क्लाउड, REV एंड सी, देखें रिवियन क्लाउड लिखा हुआ आ गया। एंटर कर दें, इसको एक्टिव हो गया और अब यहाँ से आप इसको देखें क्लिक करें तो देखें क्लाउड की शेप बन रही है। जब लास्ट पॉइंट में लेके जाएगा तो ये खुद क्लोज हो जाएगा, देखें लास्ट पॉइंट में आप लेके जाएं तो देखें ऑटोमेटिकली क्लोज हो गया, REV एंड सी, देखें ज़रा ठीक है रिवियन क्लाउड शेप बन गई। अब इस रिवियन क्लाउड में आप देखें तो इसमें जब मैं ये कमांड एक्टिव करता हूँ तो यहाँ पे इसके साथ आर्क लेंथ वगैरह ऑब्जेक्ट स्टाइल लिखा हुआ जाता है, तो आर्क लेंथ पे क्लिक करें, तो पहले ये इतनी लेंथ है देखें। अब मैं दोबारा इसको रिवियन क्लाउड में अप्लाई करता हूँ, आर्क लेंथ पे क्लिक करता हूँ, नॉर्मल लेंथ है 1.0 है, ओके और मैक्सिमम जो लेंथ में इसको देता हूँ वो देता हूँ मैं 2R5, पॉइंट जीरो, ओके ठीक तो दे दूँ। अब देखते हैं, देखें क्लिक करें तो देखें इसमें और इसमें फर्क है, इन दोनों में देखें यहाँ से यहाँ तक और ये देखें इसमें थोड़ा फर्क आ जाता है, तो ये इसकी आर्क लेंथ आप बढ़ा सकते हैं। दोबारा मैं देखता हूँ रिवियन क्लाउड आर्क लेंथ, अब यहाँ पे स्पेसिफाई लिखे मिनिमम लेंथ ऑफ आर्क, आप मिनिमम दे दें जी, मैं मिनिमम इसको देता हूँ जी 2.0 मिनिमम होगी। आप स्पेसिफाई मैक्सिमम जो आगे मैक्सिमम इसको देता हूँ जी 4.0। अब देखें देख सकते हैं आप कितना ज्यादा फर्क इसमें पड़ जाता है। रिवियन क्लाउड आर्क लेंथ 2 है, मिनिमम इसको मैं देता हूँ 4, बल्कि मैं इसको देता हूँ 5.0 मिनिमम दे दी और मैक्सिमम इसको मैं दे देता हूँ जी 8.0। आप देखें ज़रा, देखें आप कितना ज़्यादा फर्क इसमें पड़ गया, आप देख सकते हैं। तो ये इसकी होती है आर्क लेंथ, आप इस ये जो आर्क है इस आर्क की लेंथ आप बढ़ाना चाहें तो आप बढ़ा सकते हैं। अब यहाँ पे देखें कितनी लेंथ है और यहाँ पे देखें इसकी आर्क की कितनी बड़ी ज़्यादा लेंथ हो गया, तो ये होता है जी आर्क लेंथ का फंक्शन होता है। अब इसी तरह आर्क लेंथ को ख़त्म करना चाहें या कम करना, अब जब भी मैं कि कमांड अप्लाई करूँ तो उसमें आर्क लेंथ उतनी होगी, तो इसे कम ख़त्म कम करना चाहें तो आप आर्क लेंथ पे क्लिक करेंगे, करने के बाद आप इसको कम भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे आर्क लेंथ पे क्लिक करें, करने के बाद 5 है मिनिमम, 1.0 करता हूँ और मैक्सिमम में इसको करता हूँ 2.0। अब देखिए नॉर्मल उसी पोजीशन में आ गया जैसी पहले थी। अब इसमें और भी है, रिवियन क्लाउड में ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट और उसके बाद है स्टाइल। अब ऑब्जेक्ट क्या होता है कि मैं फॉर एग्जांपल एक रेक्टेंगल ले रहा हूँ, यूसी इसको ओरिजिन पॉइंट में लेके जाता हूँ, यू सी एंटर, इसको करता हूँ डिस्प्ले ओरिजिन पॉइंट को अनचेक करता हूँ, ओके
एक ये मैंने ऑब्जेक्ट ले लिया, एक सर्कल ले लेता हूँ मैं। किसी भी ऑब्जेक्ट के ऊपर अगर आप रिवियन क्लाउड अप्लाई करना चाहें तो आप उसके लिए ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं। REVC रिवियन क्लाउड ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करता हूँ, कौन सा ऑब्जेक्ट है ये वाला, तो देख सकते हैं ये किसका स्टाइल क्या हो गया, रिवियन क्लाउड में चेंज हो गया। अब इसकी जो डायरेक्शन है आप देखें तो ये इसकी जो डायरेक्शन है ये अंदर वाली साइड पे, देखें कॉर्नर की। एक और मैं रेक्टेंगल ड्रॉ करता हूँ, उसमें मैं आपको फिर ये अप्लाई करके दूंगा। सॉरी, जेड स्पेस ए स्पेस जूम एक्सटेंड करता हूँ मैं। एक और मैं ड्रॉ करता हूँ रेक्टेंगल REC, एंटर। ओके, अब इन दोनों में मैं अप्लाई करता हूँ, इन दोनों में फर्क देखिएगा आप। रिवियन क्लाउड में ऑब्जेक्ट, ये ऑब्जेक्ट मैंने ले लिया। अब ये देखिए इसमें ये क्या है हमारे पास, यस। अब देखिए इसका जो स्टाइल है ये ऊपर की तरफ आ गया है, कॉर्नर से ऊपर की तरफ आ गए हैं। अब मैं नीचे वाले पे क्लिक करता हूँ, ऑब्जेक्ट, और इसको मैं नो करता हूँ। अब देखिए इन दोनों में फर्क, ये बाहर वाली साइड पे इसके कॉर्नर है और इसके अंदर वाली साइड पे देख सकते हैं, ये बाहर वाली साइड पे इसके कॉर्नर आ गया, उसके अंदर वाली साइड पे आ सकते हैं। तो इसका फंक्शन ही होता है जब आप प्रिवियन क्लाउड क्लाउड में जब आप ऑब्जेक्ट सेलेक्ट करते हैं, ऑब्जेक्ट को मैं सिलेक्ट करता हूँ तो अब यहां से देखें पूछ रहा है रिवर्स डायरेक्शन, इसकी डायरेक्शन रिवर्स हो जाए तो आप यस करेंगे तो इसके जो ये एडजेस हैं ये अंदर वाली साइड पे, ये पीछे वाली साइड पे चले जाएंगे, रिवर्स हो जाएंगे, और नो करते हैं तो ये अपनी नॉर्मल पोजिशन में ही रहेंगे। ओके, नेक्स्ट आपके पास रिवियन क्लाउड में एक और काम होता है जी, रिवियन क्लाउड में कुछ शेप आप स्टाइल चेंज करना चाहें तो आप स्टाइल चेंज कर सकते हैं। स्टाइल पे क्लिक करें तो नॉर्मल जो है तो ये नॉर्मल है, नॉर्मल पे क्लिक करता हूँ, ये देखिएगा ये नॉर्मल स्टाइल है। ओके, दूसरा जो स्टाइल है वो क्या है, रिवियन क्लाउड दूसरा जो स्टाइल है, स्टाइल में आप दूसरा देखें तो ये हमारे पास कैलीग्राफी स्टाइल, तो कैलीग्राफी देखें तो ये होता है कैलीग्राफी स्टाइल, देख सकते हैं इन दोनों में फर्क दिखे, एक ये स्टाइल है और एक ये नॉर्मल स्टाइल है। तो कैलीग्राफी स्टाइल आप लेना चाहें तो आप कैलीग्राफी स्टाइल भी ले सकते हैं। ओके, तो ये था जी आपका रिवियन क्लाउड कमांड, इसमें काफ़ी सारी हमने डिस्कस की। अब इंशाल्लाह नेक्स्ट लेसन में नेक्स्ट टूल के साथ मिलेंगे, तब तक अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और इस लेसन को बार बार प्रैक्टिस करें ताकि आप इस पर अच्छी तरह से काम कर सकें। अब नेक्स्ट लेसन में मिलते हैं, तब तक ख्याल रखिएगा अपना, खुदा हाफिज़।